कबीर की जी। भगवान श्री महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर दिनांक 4 अप्रैल 2023 को उत्तर मुंबई जैन समाज के लोगों द्वारा माँ बाप ने भूलशो नहीं का सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध श्री अश्विन भाई जोशी अहमदाबाद को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने लोगों के लिए अपने मधुर वचनों से भलभला की आंखों में आंसू ला दिए और सुंदर उदाहरण देकर हमारी हिंदू संस्कृति और पारिवारिक संबंधों के दिव्य हित को आत्मसात किया। भारतीय जनता पार्टी के गुजराती प्रकोष्ठ ने इस कार्यक्रम के आयोजन में जैन समुदाय का सहयोग किया। गुजराती प्रकोष्ठ के महासचिव एवं लायंस क्लब इंटरनेशनल के संयुक्त सचिव श्री कीर्तिभाई अजमेरा मुंबई बम विस्फोट पीड़ित तारांकन ने इस शुभ अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एकत्रित किया। इसके साथ ही लायंस क्लब इंटरनेशनल 3231A3 मुंबई डिस्ट्रिक्ट की ओर से आपातकालीन सेवाएं एवं एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान की गई, जिसमें लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हेमंत राज सेठिया एवं डॉक्टर प्रवीण चाजेर मौजूद थे। कांदिवली शंकर लेन स्थित वासुपूज्य जैन मंदिर के समीप श्री महावीर जैन समाज के भव्य प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसके प्रायोजक श्री मिलन गांधी ने विशेष योगदान दिया। इस जनकल्याण कार्यक्रम में मैदान खचाखच भरा हुआ था, जिसमें उत्तर मुंबई के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता विशेष रूप से श्री विनोद भाई शेलार, श्रीमती बीनाबेन जोशी, श्रीमती योगिताबेन कोहली के साथ साथ महावीर क्लिनिक के ट्रस्टी भावेश दोषी भी उपस्थित थे। आयोजन की एक विशेषता ये रही कि सामाजिक कार्यकर्ता श्री नेहल भाई देसाई MNS के श्री राज को ठाकरे साहब का सहयोग उनकी प्रतिनिधि श्रीमती तीर्थंकर श्री महावीर भगवान जन्म कल्याणक कार्यक्रम में प्रवेश नि शुल्क और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर था। कांदिवली पश्चिम पुलिस विभाग और यातायात पुलिस द्वारा सुरक्षा सेवाएं प्रदान की गई। उनके बारे में सोचना और वो संस्कार लोगों में પ્રોગ્રામની શરૂઆત અશ્વિનભાઈ જોશીએ કરી છે અને તેમના યુટ્યુબ પર તમે જોશો ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ છે, માવતર, મા વિનાનો સુનો સંસાર, બાપને વાલી દીકરી। આ એમના ડિસ્કો કર્યો હોય, હું થોડો કડવો માણસ છું, અડધા લુગડા પહેરીને દીકરીઓ નાચતી હોય ને તો 6 વાગ્યામાં ઓડિયન્સ પેક થઈ ગયું હોય, એક લક્ષ્મી હોય, નવ દેવો, સુગંધિત સાહેબ, બીજા દેવો, તમારી કોઈ ઈચ્છા? એ હમણાં એ કહેતી છે, હું કહેતી છું, તમે કહેતી છો, સાબિત કરવું છે મારે, બીજો કહેતી